अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। डियर स्टूडेंट्स, इस शॉर्ट वीडियो लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि एक एसे की आउटलाइन किस तरह से डेवलप करते हैं। व्हेन एवर यू आर राइटिंग एन एसे, इट इज़ अ गुड आइडिया दैट यू डेवलप एन आउटलाइन ऑफ दैट एसे, especially if you are writing on some complex topics, आप किसी पचीदा किस्म के टॉपिक पे लिखने वाले हैं तो आउटलाइन डेवलप कर लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इस लेसन के दो पार्ट्स होंगे। अगले फर्स्ट पार्ट में आप देखेंगे एक आउटलाइन को कि एक स्टूडेंट ने एक आउटलाइन डेवलप की हुई है तो उस आउटलाइन में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। इस लेसन के सेकंड पार्ट में हम एक चेकलिस्ट देखेंगे जो जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए व्हेन एवर वी आर डेवलपिंग एन आउटलाइन। तो ये आउटलाइन आपके सामने है। इस आउटलाइन को अगर आप देखते हैं कि स्टूडेंट ने क्या किया है, सबसे पहले उसने अपनी थीसिस स्टेटमेंट एट द टॉप ऑफ द पेज लिखी है। तो फर्स्ट पॉइंट व्हेन यू आर डेवलपिंग एन आउटलाइन, फॉर्मल आउटलाइन, वो ये है कि आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट को एट द टॉप ऑफ द पेज लिखें। देन आप देखें कि जो मेन हेडिंग्स हैं आपके टॉपिक की, उनको किस तरह से लिखा जाता है। अब आप क्या करते हैं, आप इनको ग्रुप करते हैं अंडर रोमन नंबरल्स। देखें 1, 2, 3 पॉइंट्स में इस स्टूडेंट ने अपनी जो मेन हेडिंग्स हैं उनको अरेंज किया है। एंड देन जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इन मेन हेडिंग्स की इंडेंटेशन देखें कि ये लेफ्ट हैंड मार्जिन के बिल्कुल साथ रखी गई हैं। एक और क्वालिटी आप हेडिंग्स की देखते हैं, जितनी भी हेडिंग्स यहाँ आपको नज़र आ रही हैं वो ये है कि फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड उसको कैपिटलाइज किया गया है। देन अगर आप सब हेडिंग्स में जाते हैं तो आप देखते हैं कि सब हेडिंग्स को जो रिप्रेजेंट किया गया है, वो एक्सप्रेस किया गया है, वो लेटर्स के ज़रिए किया गया है। जैसे फर्स्ट मेन हेडिंग के नीचे तीन सब हेडिंग्स हैं, उनको ए बी सी से रिप्रेजेंट किया गया है। और इनकी इंडेंटेशन भी देख लें कि ये इंडेंटेशन किस तरह से इनको इंडेंट किया गया है। देखें फर्स्ट लेटर के नीचे, फर्स्ट वर्ड के नीचे इसको इंडेंट किया गया है एंड देन इनको लिखा गया है। थर्ड लेवल ऑफ हेडिंग भी इस्तेमाल हुई है। आप देख सकते हैं कि ये थर्ड लेवल ऑफ हेडिंग आपको 1, 2 से रिप्रेजेंट की गई मिलती है, ये माय रिएक्शन के अंडर। एंड देन ऑफ कोर्स जो चीज़ आपको वाजे यहाँ पे नज़र आती है कि हेडिंग्स को वर्ड्स या फ्रेजेस के ज़रिए एक्सप्रेस किया गया है। यानी आप जब भी अपनी आउटलाइन डेवलप कर रहे हैं तो आप इस बात का ख्याल रखें कि आप टॉपिक आउटलाइन डेवलप कर सकते हैं। एक और ऑप्शन जो यहाँ पे नज़र नहीं आती बट दैट ऑप्शन इज़ आल्सो अवेलेबल कि आप सेंटेंस आउटलाइन भी डेवलप कर सकते हैं, बट यू मस्ट बी कंसिस्टेंट। मतलब ये कि अगर आपने सिंगल वर्ड्स या फ्रेजेस को एज हेडिंग यूज़ करना शुरू किया है तो पूरी आउटलाइन में वो सिंगल वर्ड्स और वो फ्रेजेस ही होनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड अगर आप सेंटेंस की तरफ जाते हैं, कंप्लीट सेंटेंस की तरफ जाते हैं, तो फिर आपको पूरे सारी हेडिंग के लिए कंप्लीट सेंटेंसेस लिखने चाहिए। और जो चीज़ें मेजर चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आएगी,
जो हेडिंग, मसलन फर्स्ट हेडिंग अगर नाउन है जैसे ये द इंसिडेंट है, एंड देन बाकी वाली जो हेडिंग्स हैं उनमें भी आपको नाउन या नाउन फ्रेजेस ही नजर आएंगी। दिस इज समथिंग वेरी मच इम्पोर्टेंट। एंड एक और चीज जिसका आपने ख्याल रखना होता है जब आप कोई आउटलाइन, फॉर्मल आउटलाइन डेवलप कर रहे हैं अपने ऐसे की, वो ये है कि आप की हेडिंग्स ओवरलैप ना कर रही हैं। अब हम एक चेकलिस्ट को देखते हैं और उस चेकलिस्ट में ऑफ कोर्स यही आइडियाज रिपीट होंगे, और आपने व्हेन एवर यू आर राइटिंग व्हेन एवर यू आर राइटिंग एन आउटलाइन, आपने उन पॉइंट्स को जहन में रखना है। अगर आप उन पॉइंट्स को जहन में रखेंगे ऑफ कोर्स आप एक बहुत अच्छी आउटलाइन डेवलप करेंगे। तो हम देखते हैं उन पॉइंट्स को कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए, बिकॉज दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो ये पॉइंट्स आपके सामने हैं कि सबसे पहले आप क्या करें कि अपनी थीसिस स्टेटमेंट को ऑन द टॉप ऑफ द पेज लिखें, देन ग्रुप मेन हेडिंग्स अंडर रोमन नंबरल्स। मेरा ख्याल है रोमन नंबरल्स का आपको आइडिया है, अगर नहीं आइडिया तो ये आपके सामने है, आप इनको देख सकते हैं कि रोमन नंबरल्स को इस तरह से लिखते हैं। और फिर क्या करना है कि आपने मेन हेडिंग्स को लेफ्ट हैंड मार्जिन के साथ लिखना है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है कि आपने सब हेडिंग्स को किस तरह से इंडेंट करना है, यानी उनको कहाँ पे लिखना है। तो उनको आपने फर्स्ट वर्ड ऑफ द हेडिंग अबव इट, यानी उसके ऊपर जो हेडिंग आ रही है उसके फर्स्ट वर्ड के साथ इंडेंट करना है। अब सब हेडिंग्स के लिए आपने क्या करना है, लेटर्स को यूज करना है, और अगर आप सपोर्टिंग डिटेल्स को भी लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपने नंबर्स को यूज करना है। एक और चीज जिसका आपने ख्याल रखना है कि आप फर्स्ट लेटर जो आपकी हेडिंग का है उसको कैपिटलाइज करेंगे। अपनी आउटलाइन को जितना सिंपल रख सकते हैं उतना सिंपल रखें, जानबूझ के उसे कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश ना करें, और कोशिश करें कि आप थर्ड लेवल ऑफ हेडिंग से ऊपर ना जाएं, यानी आपका जो फाइनल लेवल होना चाहिए वो 1 2 3 इस तरह से होना चाहिए। उसके बाद आपके पास चॉइस है कि आप टॉपिक आउटलाइन ले लें, यानी टॉपिक आउटलाइन कंस्ट्रक्ट करें। टॉपिक आउटलाइन क्या होती है कि आपकी जितनी भी हेडिंग्स होंगी या तो वो शॉर्ट फ्रेजेस की फॉर्म में होंगी या सिंगल वर्ड होंगे, या आप क्या कर सकते हैं, आप सेंटेंस आउटलाइन भी ले सकते हैं, लेकिन आपने कंसिस्टेंट रहना है। मैं रिपीट करता हूँ, आपने कंसिस्टेंट रहना है, यानी आप ऐसा ना करें कि एक ही आउटलाइन में कहीं पे सेंटेंसेस लिख दें, कंप्लीट सेंटेंसेस लिख दें, कहीं पे फ्रेजेस लिख दें। अगर आपने कंप्लीट सेंटेंसेस लिखने हैं तो कंप्लीट सेंटेंसेस लिखें, अगर आपने फ्रेजेस या सिंगल वर्ड्स लिखने हैं तो आप सिंगल वर्ड्स लिखें, ठीक है जी। और इसके बाद जो आपने ख्याल रखना है वो ये कि सब कुछ पैरेलल होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब ये कि अगर आपका रोमन नंबरल फर्स्ट वाला नाउन है तो जितने भी बाकी 1 2 2 3 4 जितने भी हैं वो सारे के सारे नाउन होंगे, ठीक है जी। अब एक और बात जिसको आपने याद रखना है, ध्यान में रखना है कि कम से कम दो लेवल ऑफ सब डिविजन्स यूज करें अगर आप सब डिविजन्स यूज कर रहे हैं। मतलब क्या कि एक है तो दो भी लाजमी होना चाहिए, इसी तरह से अगर ए है तो बी भी लाजमी होना चाहिए। देन फाइनल चीज जिसका आपने ख्याल रखना है कि आपकी हेडिंग ओवरलैप ना करें। मतलब ये कि आप दो हेडिंग्स लेते हैं और आपको नजर आता है कि इनमें आइडियाज मिल रहे हैं, अगर आपको के पास इस किस्म की सिचुएशन बनती है तो आप उनको स्ट्राइक आउट करने की कोशिश करें और ज्यादा प्रॉपर हेडिंग चूज करें। तो ये कुछ चीजें थीं जिनका जहन में होना लाजमी है एज अ स्टूडेंट जब आप एक आउटलाइन डेवलप कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम इसी तरह से काम करते चले जाएंगे,
और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी उन पे लाजमी आपको वीडियो लेसन्स मिलेंगे, क्योंकि दे आर इम्पोर्टेंट। आप इस तरह से एक सब्जेक्ट को बेहतर स्टाइल में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।